स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC का जो रिक्वायरमेंट आया है, SSC जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसमें दो पदों पर जो है वैकेंसी निकला हुआ है, इसमें MTS और हवलदार का वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हम आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू डिटेल्स में समझते हैं क्या है इसका प्रक्रिया। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों दो पदों का वैकेंसी निकला हुआ है, आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको SSC के नाम से जाना जाता है, इसमें MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर जो है रिक्वायरमेंट निकला हुआ है। इसका जो पोस्ट अपडेट है वो 30 जून को है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, इसमें 1558 जो है टोटल वैकेंसी है दोनों मिलाकर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन का जो अप्लाई का जो डेट है वो क्या है। तो 30 जून से दोस्तों इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरा रहा है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट जो डेट है 31 जुलाई है। अप्लीकेशन का जो मोड है दोस्तों वो ऑनलाइन, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भराएगा। अब यहाँ सिलेक्शन प्रक्रिया की अब हम बात करें तो इसमें एक CBT टेस्ट होगा पहले, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर से एग्ज़ाम आपका होगा। उसके बाद PET यानी फिजिकल आपका होगा। उसके बाद दोस्तों आप मेडिकल के लिए जाएंगे, अगर मेडिकल आप क्लियर हो जाता है तो लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आगे दोस्तों एज की हम बात करें तो यह 18 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की के बीच में ही जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17 से मैक्सिमम 17 ईयर्स के होंगे तो भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की जब बात करें तो ओनली टेंथ पास हैं तो कर सकते हैं, आगे भी क्वालिफिकेशन होगा तो कर सकते हैं, यानी कि यह जो है 10th पास पर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसको इम्पोर्टेंट डेट की जब बात करेंगे तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि एडवर्टाइज अवेलेबल 30 जून, यानी 30 जून का एडवर्टाइज हुआ। अप्लाई का लास्ट डेट जो है 30 जून ही है, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तो फॉर्म भर सकते हैं। और फी पेमेंट लास्ट डेट जो है 22 जुलाई हो। करेक्शन की बात करें, यानी कोई भी फॉर्म भरने में कोई गलती आप कर लेते हैं तो उसका भी जो है आप समय जो इसमें दिया हुआ है 26/7 से लेकर 28/7 के बीच में ये फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं गलती की है तो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन कब होगा, तो कह रहा है दोस्तों सितंबर में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम इसका। इसलिए दोस्तों बहुत कम समय है, तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिए। चलिए दोस्तों आगे हम इसको समझ लेते हैं फ़ी के बारे में। तो दोस्तों फ़ी के बारे में यह कह रहा है, अप्लीकेशन फ़ी के बारे में यह कह रहा है कि SC ST PWD, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, और वोमेंस के लिए यह 0 फी, यानी पैसा नहीं लगेगा, एक भी फी नहीं लगेगा। और बाकी जो है वो आते हैं जनरल में EBC OBC आते हैं, उन लोगों को यह जो है 100 रुपया फ़ी देना होगा। पेमेंट मोड जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से बैंक चलान से फ़ी को भर सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में एज लिमिट की बात कर लेते हैं प्रत्येक जो है पोस्ट वाइज। तो इसमें कह रहा है मिनिमम एज 18 ईयर्स, यानी कि जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 18 साल का होना चाहिए कम से कम। उसका मैक्सिमम एज MTS का जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स, उससे ज़्यादा नहीं। और हवलदार के लिए भर रहे हैं तो 27 साल का आपको है। ठीक है, यानी दोस्तों ध्यान से देखना है, और MTS में फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको सिर्फ मैक्सिमम 25 वर्ष होंगे तब फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हवलदार के पोस्ट के लिए हैं तो आप 27 वर्ष का जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ कह रहे हैं कैंडिडेट पास्ट क्लास 10th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आगे जो दोस्तों को कह रहा है कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं बढ़िया से। यह कह रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो आप यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 के माध्यम से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल स्टैंडर्ड PST आपका ये सब होगा। उसके बाद हाइट की बात करें तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद यहाँ अगर हम फीमेल की बात करें तो 152 है, चेस्ट की 81, महिला के लिए कुछ नहीं, वेट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, और महिला का एट जो होना चाहिए वो 48 kg का होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात करें तो वॉकिंग जो यानी दौड़ जो है 1600 मीटर 15 मिनट में मेल के लिए, और 1 किलोमीटर
जो है वो 20 मिनट में महिला के लिए है। दोस्तों आगे चलिए हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समझ लीजिए, यहाँ पर कह रहा है अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले होता है, उसका लॉगिन करके फॉर्म को फिल करके प्रक्रिया को पूरी किया जाता है, और बाकी जो नोटिफिकेशन सब इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है, ये आप कर सकते हैं जाकर SSC के साइट पर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू टुमारो।